फरमाए प्रकाश जी समय गैपुरा गैपुरा से बीसवा की जो रोड है उसे हाईवे पे है। इस समय काफी संख्या में यहाँ पर जो यहाँ पे हिंदुत्व के लोग हैं और काफी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें बगल के ही गांव में एक मंदिर थी, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया था, काफी दिनों से लंबित पड़ा था, लगभग 2000 साल पुरानी मंदिर थी वो, और उस पर अल्पसंख्यक लोगों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में उसका जीर्णोद्धार कराया गया है, जो हिंदुत्व के पुरोधा है विश्व हिंदू परिषद और तमाम लोगों ने कराया है। हमारे साथ राजन जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे, और जो यहाँ पे हिंदुत्व के लोग हैं, जो हिंदुत्व के पुरोधा हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, उसको हम उनसे हम बात करेंगे। जी राजन जी बताएं सर, इसके बारे में बताएं मंदिर के बारे में। मंदिर बहुत पुराना है, हजारों साल संघों काल का लोग कहते थे कि हजारों साल से पुराना मंदिर है। वहाँ चबूतरे के पास तक एक अल्पसंख्यक परिवार बस गया था, उसको बहुत काफी लोगों ने बनाया, स्थानीय लोगों ने भी बनाया, भूत की राजनीति के चलते भी ऐसा कुछ मामला प्रकाश में आया। सत्य क्या है ये बहुत अंदर तक पड़े पता लगे, फिलहाल लोगों को समझाया हो गई, मंदिर समाज के लिए खुल गया, वहाँ से हट गई। राम मंदिर भी जो है काफी भव्य रूप दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? अलौकिक राम नगरी की सीमा ही मेरा कुछ दो लाइन का फिर भजन विद्याधाम है अपना, कुछ भजन दो लाइन का सुनाना चाहे सर। अब यहाँ पर कोई भजन भाव का कुछ फिलहाल जननी जन्म भूमि स्वर्गा भगवान का जन्म स्थान स्वर्ग के समान। बहुत बहुत धन्यवाद, जय 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 श्री राम। सुन रहे थे राजन जी को और राजन चौबे के, जो कि विजयपुर के रहने वाले हैं और काफी हिंदुत्व को लेकर काफी एकदम अग्रसर रहते हैं। और क्या नाम है सर आपका? शुभम पांडे। शुभम पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुरा। आज आप लोग जुलूस निकाले हुए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब लग रहा है अच्छा लग रहा है, जब से भाजपा की सरकार बनी है क्या लग रहा है कि हिंदुत्व का एक विकास ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा विकास है सरकार हिंदुत्व के लिए, और ऐसे ही होता रहेगा और फिर से ही भाजपा एक सरकार। राम मंदिर बन रही है अयोध्या में, कैसा क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा रेशमा गुप्ता। रेशमा गुप्ता, मेरे पति का अनिल गुप्ता नाम है। मैं इतना जानती हूँ, ये मंदिर तो बना है, इस मंदिर में बहुत विवाद हुआ है, बहुत कष्ट से ये मंदिर बना हुआ है। मैं चाहती हूँ ये मंदिर से बनने के बाद कोई मेरे आदमी के ऊपर कोई आफत ना आए। क्या लगता है कि मंदिर बनाने से क्या आपको डर लग रहा है क्या? गाँव मोहल्ले में तो सब दुश्मन ही हो गए, किसी इतना अच्छे नहीं लग रहा कि मंदिर रहे, धमकी मिल रहा था पहले, इसीलिए मैं चाहती हूँ अभी बंद तो गया, इसके बाद कोई लफड़ा कजिया नहीं होना चाहिए। झूलवा लाई रे झूलता रे सातोरे बहिनिया दीदिया।
पर्व है, इस पर आप हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हम सभी का हार्दिक बंधन उनको स्वागत करते हैं। सभी को प्रभु श्री राम जन्मोत्सव श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रदेश से ही संपूर्ण देश में आज भगवान श्री राम के जन्मोत्सव नवमी की यात्रा का जो पूरा उत्साह है और हजारों की संख्या में नर नारी जगह जगह प्रभात फेरी के माध्यम से, नगर भ्रमण के माध्यम से, गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, जुलूस के साथ आज नवमी के दिन, चैत्र नवमी के दिन अपने इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम राजन जी बगल का एक ग्राम सभा है, यहाँ पर एक मंदिर थी काफी विवादित था, लगभग 2000 साल से मंदिर ऐसे ही पड़ी थी, काफी वहाँ पे कुछ संख्यक लोगों ने कब्जा कर रखा था, काफी पुराना, लेकिन आज हम वहाँ से होकर के आ रहे हैं। उस वो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, काफी भव्य मंदिर बना हुआ है। जीर्णोद्धार पहले ही हुआ था, एक उसका बालक है, वो उसका परिवार स्थानीय लोग भी सभी चाहते थे, लेकिन अब पुराने समय से वो फंस गया था एक अल्पसंख्यक परिवार, और धीरे धीरे वो मंदिर के सरहद तक या ये कह लीजिए मंदिर के बिल्कुल पास तक अपनी बाउंड्री को निर्धारित कर लिया था, जिसके लिए लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी परेशानी उठाई, काफ़ी विरोध हुआ। लास्ट ये जुलूस निकल कहाँ से निकली और कहाँ तक जाएगी? ये आज प्रभु श्री राम जन्मोत्सव यात्रा बछहाँ हनुमान मंदिर से निकल करके पिहपड़ा होते उदयपुर होते हुए, पिहपड़ा होते हुए कोलाही होते हुए विजयपुर होते हुए गाजीपुर होते हुए जयपुरा चौराहा होते हुए रायपुर होते हुए और कटरा खगड़िया होते हुए उसके बाद महोखर होते हुए रघईपुर होते हुए पुनः पिहपड़ा होते हुए सड़क मार्ग से रघईपुर होते हुए मधेवरा नाथ जाकर के संपन्न होगी मधेवरा।